सब्सक्राइब कीजिए मिथपैट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पकाओ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, अबे अबे बेच दिया, और कितना बेचूं? अरे दोनों साइड के बेच दिए, और किधर से लाओ? फोन रख चुपचाप। बहुत दुख रहा है, लेकिन इस महीना बहुत खर्चा हुआ। पहले तो वो रोबोट कार ले ली पार्ली जी खरीदने के लिए, फिर ये लेना पड़ा। जादू को अपने मायके वापस जाना था, चाचा को मिलना था उसको जाके, वो जाके ऐसा चाचा का आशीर्वाद लेके आया, लेकिन खर्चा मुझे कहा। ये सब में इतना खर्चा हुआ कि मैंने और खर्चा किया, नया फोन भी ले लिया। ये फोन भी मेरे लिए नहीं लिया, ये सब कुछ दाढ़ी के लिए। मैंने देखा कि टेक्निकल गुरुजी जो है वो फोन अनबॉक्स करते हैं, और उनकी दाढ़ी, बाप रे। तो मैंने क्या किया, फोन खरीद लिया। मुझे लगा कि नया फोन खरीदने से दाढ़ी आ जाएगी, लेकिन मच्छर को भी मुझसे ज्यादा दाढ़ी होगी। फोन के चक्कर में मैंने दोनों साइड के बेच दिए, लेकिन दाढ़ी नहीं आई। मेरी दादी को भी दाढ़ी आ सकती थी। क्या बोल रहा है, कुछ तो होगा यार। हाउ टू गेट दाढ़ी इन 5 मिनट्स। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 22 साल से रुका हूँ। ए है, ये देखो टोटका है दोस्तों, टोटका है। टोटका तो हमेशा काम करता है, क्या करना है? नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चाहिए दाढ़ी तो आप आए हैं एकदम बराबर जगह पे। टोटका है दोस्तों, एक कटोरे में लीजिए कुछ बाल, उसके अंदर डालिए 1 चम्मच शैम्पू, फिर इसमें नींबू का रस और लौंग डालिए। अब इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाएं। अब आपको इसको एक ठंडी चपाती के साथ खाना है। ये खाने से 5 मिनट में आपको आ जाएगी बालों से भरी हुई दाढ़ी। टोटका है दोस्तों। व्हाट, कुछ भी टोटका है दोस्त को कान के नीचे मारेगा दोस्तों, ऐसे थोड़ी होता है। एक मिनट मुझे कमेंट्स पढ़ने दो। व्हाट, टेक्निकल गुरुजी, स्वयं टेक्निकल गुरुजी का कमेंट है 5 साल पहले। अल्लाह, मतलब ये काम करता है क्या? मुझे ये करना पड़ेगा। बाल, लौंग, नींबू, ठंडी चपाती। ठंडी चपाती क्यों चाहिए मुझे मालूम नहीं, गरम चपाती से नहीं आती का दाढ़ी। और शैम्पू की बॉटल। देखो बाल तो मैंने काट के लाए, मेरे बाल नहीं है, पप्पा के बाल काटने पड़े मुझे। मैं ऑलरेडी टकलू। फ्रिज से ठंडी चपाती लेते हैं हम लोग। चपाती फ्रिज में क्यों रखते हैं प्लीज पूछो मत। ये देखो लौंग, नींबू और शैम्पू, नींबू को इसके अंदर डालते हैं। ये देखो मैंने बहुत सारे लौंग लिए हैं ताकि मुझे लौंग बियर्ड आ जाए। इसको भी इसके अंदर डालते हैं। ओके, और ये शैम्पू। टोटका है दोस्तों। ओके, अब ये तैयार हो चुका है, क्या मुझे इसको खाना चाहिए? देखो पहले ही मेरी ठीक से होती नहीं है, कल से बाल गिरने वाले हैं। यू कैन डू दिस प्लीज भगवान, अभी तक मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी नहीं पहुंचा हूं, प्लीज जिंदा रखना। आई कैन डू दिस। टेस्टी है, थोड़े टाइम के बाद वो बालों का टेस्ट आने लगता है। टेक्निकल गुरुजी के घर पे यही बनता होगा, वरण बाल, बाल तड़का, बटर बाल मसाला। चलो एक और बार, इस बार थोड़ा ज्यादा लेते हैं। देखो दाढ़ी आ रही है। 5 minutes later। मस्त है ना एकदम, अब तक इधर आई नहीं है। 1-5 मिनट में इतना ही मिलता है। अभी मेरा नाम क्या होगा रे? उनका नाम टेक्निकल गुरुजी है, मेरा नाम चकनिकल गुरुजी। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग की तरफ से आ चुका है नया फोन, चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिथपैट, आप देख रहे हैं चकनिकल गुरुजी, चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल दोस्तों मेरे हाथ में है सैमसंग के नए गैलेक्सी Z Fold 2 का बॉक्स। ये फोन अभी अभी लॉन्च हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये फोन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ से हम लोग इस फोन को अनबॉक्स करेंगे। तो इसके अंदर मुझे फोन दिख नहीं रहा दोस्तों, सच्ची में नहीं दिख रहा। What? इसके अंदर फोन था। अबे इसके अंदर फोन था, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई, दोनों साइड के बेच दिए थे, इसे नहीं हो सकता। मैं गरीब हूँ, सैमसंग ने मुझे फोन ठीक से भेजा नहीं है दोस्तों। 50 रुपए का ओवर एक्टिंग का। देखो ये फोन आके 10 दिन हो गए, मैं इतने टाइम तक रुकने नहीं वाला था, मैंने उसी दिन अनबॉक्सिंग कर दी थी ये। What? ए, फोन था मेरे पास, चड्डी के अंदर कहाँ पे डाला? नहीं इस बार मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, सच्ची मेरे पास फोन था। मैं यहाँ पे आ रिकॉर्डिंग करने, उसके पहले मैं था हॉल में। एक मिनट, मैंने क्या फोन हॉल में? What? ग्रानी दत्तनोट देख रही है। नानी, हम लोग ग्रानी को ये पहनाते हैं, टेक्निकल आजी। कंद कुनो को फिर ब
करते हैं। इसके पहले कि मैं इस फोन को अनफोल्ड करूं, तुम लोग ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, नाखून अलाउड नहीं है। क्या नाटकीय इस फोन का, गलती से अगर नाखून लग गया तो रोज सुबह फोन यूज करने से पहले मुझे नाखून काटना पड़ता है। चलो नाखून तो काट दिए, अब इसको करते हैं अनफोल्ड। आर यू रेडी? कितनी बड़ी स्क्रीन है देखो, यहाँ पे मैं फ्री फायर खेल सकता हूँ, यहाँ पे मैं अमंग अस खेल सकता हूँ, और पबजी कहीं पे भी नहीं खेल सकता। कितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, हम लोग पबजी नहीं खेल सकते, पर इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है कि मैं इस पे एडिटिंग कर सकता हूँ, फिर मैं रोज वीडियो डाल पाऊँ। नहीं डाल पाऊंगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं यार मुझ पे। देखो इस पे अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, ये जो वीटा ऐप है ना इससे मस्त एडिटिंग कर सकते हैं। देखो ये ऐप पूरी तरह से फ्री है, और फ्री की चीजें कभी छोड़ते नहीं है दोस्त। चलो ये वाली वीडियो को हम लोग एडिट करते हैं। ये देखो इस ऐप में कितने सारे इफेक्ट्स है, सही सही इफेक्ट्स है यहाँ पे। कौन सा लू इसमें से मैं, नियॉन फ्रेम, ये देखो नियॉन मैन इफेक्ट, ये क्या है अयला, पट से हेडशॉट इफेक्ट। यहाँ पे बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स है, म्यूजिक है, जो आप लोग फ्री में यूज कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि मितपट भाई वाटरमार्क का क्या, वाटरमार्क तो फ्री में नहीं निकलेगा, वाटरमार्क भी फ्री में निकाल सकते हो। तो इसमें एडिटिंग करना बहुत सिंपल छे, अभी मैं बस में बैठे बैठे एडिटिंग कर सकता हूँ और बहुत सारे वीडियोस डाल सकता हूँ। हंसो मत ना, डालूंगा मैं। इसमें अमंग अस भी कितना बड़ा दिखता है देखो, ये देखो अभी सही ना, छोटा स्क्रीन बड़ा स्क्रीन, फायदा क्या, लेकिन इम्पोस्टर तो बनता नहीं हो। कैमरा देखो तुम लोग, मेरे को पीछे ट्रैफिक सिग्नल जैसा कैमरा दिया है, पीछे तीन कैमरे, आगे एक कैमरा, अंदर एक कैमरा, टोटल पांच कैमरे इस फोन में, शक्ल तो बदलने नहीं वाली। वो तुम लोग ये देखो, फोन को हम लोग ऐसे रख के वीडियोस देख सकते हैं मितपैट के, मैं तो बस मेरे वीडियोस देखता हूँ, तुम लोग भी किसी और के वीडियोस देखो मत, मजाक कर रहा हूँ। इस फोन में बस एक प्रॉब्लम है, मैं मितपैट को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहा, मैं लाइक भी नहीं कर पा रहा। तुम लोग ट्राई करो जरा, तुम्हारे फोन में हो रहा है क्या, मेरे इसमें नहीं हो रहा। शपथ। और क्या दिखाऊं मैं, ये देखो यहाँ पे मैं नोट्स लिखता हूँ, मेरे जो भी वीडियोज है आइडियाज है मैं उस पर लिखता हूँ। अरे इंस्टाग्राम देखो कितना बड़ा लग रहा है, कितना बड़ा लग रहा है ना, देखो ना, नहीं दिख रहा क्या। और क्या दिखाऊं मैं, फोन जैसा फोन है। मुझे ना हमेशा से ऐसे अजीब फोन्स या फिर अलग गैजेट्स, ये हमेशा से बहुत पसंद था। मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट फोन भी है, ये 5 साल पहले लिया था, ये क्रिश का मास्क लिया मैंने, ऐसी अजीब अजीब चीजें मैं लेता रहता हूँ। तो बस हो गया आज के लिए, और कुछ है नहीं बताने जैसा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो तुम लोग को मालूम है क्या करना है, मालूम है ना। और हाँ, वीटा ऐप डाउनलोड करना भूलना मत। तुम लोग मुझे पूछते रहते हो ना कि मितपैट भाई एडिटिंग के लिए क्या यूज करे, क्या करे, बता रहा हूँ अभी क्या करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अभी मैं चलता हूँ और मैं मिलता हूँ।